बस कैसे हैं आप साहब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर में लगे हुए इंटरनेट की डिवाइस को कैसे टीपी लिंक में तब्दील कर सकते हैं। आसान अल्फाज में आपको बताऊँ तो PTCL की डिवाइस को कैसे आप टीपी लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि टेंडा या कुछ भी आपको बाज़ार से लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो में स्टार्ट में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने दो डिवाइसेस को जॉइंट करके टीपी लिंक बनाया है। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आपने टीपी लिंक बनाना है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी व्यूवर्स, तो आप देख सकते हैं मैंने अपने घर में किस तरह इन डिवाइसों को जो है वो कनेक्ट किया है खुद से। इसको कनेक्ट करने से पहले, अपने कनेक्ट करने से पहले ये सारा अमल करना है। तो चलते हैं उसको अमल करने के लिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और यहाँ पर चलेंगे अपने मोबाइल की सेटिंग पर और कनेक्शन सेटिंग्स पर जाएँगे। यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन पर जाएँगे और कनेक्शन को देखेंगे तो वो कनेक्ट करना है जिसको आपने टीपी लिंक टेंडा या कुछ भी बनाना है। तो सबसे पहले हम उसको कनेक्ट करने के बाद हम अपने IP लगाएँगे, जहाँ पर 192.168.10.1 आपका कोई भी IP हो सकता है। तो यहाँ पर उसके बैक साइड पर ही एडमिन और पासवर्ड जो है वो शो होता है, जो एडमिन पासवर्ड जो भी है आपका वो लगाएंगे। तो यहाँ पर वो पासवर्ड लगाने के बाद हम सीधा ही अपने जो है PTCL डिवाइस जो होती है उसके होम पेज पर चले जाएंगे। तो वहाँ पर चलते ही आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली कोई भी बड़ी सेटिंग नहीं है, यहाँ पर एडवांस सेटअप पर क्लिक करना है सबसे पहले। तो उसके बाद LAN पर क्लिक करना है, जो कि आपको नज़र आ रही है। ये LAN पर क्लिक किया और यहाँ पर जो सिस्टम है वो आप देख सकते हैं, ऊपर IP लिखे हुए हैं, नीचे देखिएगा दो जो है चेक लगा हुआ है, इनेबल DHCP सर्वर। यहाँ पर इसको डिसेबल करेंगे सबसे पहले, तो मैंने डिसेबल किया। डिसेबल करने के बाद अपने IP चेंज करेंगे, जो स्टॉप बार में लिखा हुआ है 110.1, इसको 100.1 कर देंगे। अब यहाँ मैं 100.1 करता हूँ, आप कोई भी कर सकते हैं। तो मैं ये कर दूँगा क्योंकि ताकि मेरे कभी भी IP मैच ही ना हो PTCL की दूसरी डिवाइसेस के साथ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर फिर हम अप्लाई एंड सेव पर क्लिक करेंगे। ये सारा फंक्शन करने से पहले आपको अपना वाईफाई का पासवर्ड, उसका SSID यानी उसका नेम पहले ही चेंज कर लेना है, क्योंकि अभी जैसे ही हम इसके IP को चेंज करेंगे तो ये इसके बाद कभी भी ये लॉगिन नहीं होगा। जब तक कि आप अपनी डिवाइस को दोबारा से रीसेट नहीं करेंगे तब तक ये इस्तेमाल के काबिल नहीं होगी। तो यहाँ पर हम करने के बाद वायर को जॉइंट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने वायर को जॉइंट किया, और मैं दोबारा से आपको एक वीडियो दोबारा दिखाता हूँ। मैंने जो इथरनेट केबल है उसको लगा दिया और मोहसन मलिक के नाम से था, अभी कनेक्टिंग हो रहा है। तो लास्ट में आपको कनेक्टिंग नज़र आएगा। मेरी ऐसी ही टेक्नोलॉजी पर वीडियोस आती रहती हैं। मेरी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो देख सकते हैं नहीं, मलिक मोहसिन मलिक जो है इंटरनेट कनेक्शन विदाउट इंटरनेट, अभी मैं एक कुछ ही टाइम में अभी ये कनेक्टेड शो होगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है, ये लेते ही दोबारा से आपको नज़र आएगा तो ये कनेक्टेड होगा। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर मोहसिन मलिक कनेक्टेड हो चुका है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।